हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कृतिका बीएससी क्लासेस। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर फॉर 2021। सो गाइस, यहाँ पे आज वनली हम एमएससी जूलॉजी का ही 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आज हम जीके का एक भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जीके का अगर क्वेश्चन आप करना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऑलरेडी जीके का 3 वीडियो अपलोडेड है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो हमने एमएससी जूलॉजी का क्वेश्चन डिस्कस किया वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो कि आपका एनिमल किंगडम, एवोल्यूशन, स्मॉल बायो एंड जेनेटिक्स एंड सेल बायो से क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। सो आई होप आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट होगा। ओके, सो चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉकिंग अबाउट इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर फॉर 2021। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैव रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे रेडियली सिमेट्रिक में कौन सा ऑर्गेनिज्म है, किस फाइलम में। ऑप्शन की बात करें सिलेंड्रेटा, प्लैटी हेलमेंथीज, एस के हेलमेंथीज या एनालीडा। तो वो आपको पता होगा कि जो रेडियल सिमेट्री होता है किस ऑर्गेनिज्म में, किस फाइलम में होता है, तो सिलेंड्रेटा है ना। यहाँ पे राइट आंसर क्या हमारा, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआंस लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स और एब्सेंट। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स में किस प्रोटोजोआंस में यहाँ पे स्ट्रक्चर्स एब्सेंट हो, यहाँ पे एब्सेंट होता है। तो ऑप्शंस की बात करें स्कॉर्डिना, स्पैरोजोआंस, सिलिएटे एंड मैस्टिगोफोरस। यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकेंड है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। यहाँ पे कौन सा पेयर करेक्टली मैच हो रहा है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है लेस्मीनिया कालाजार, ग्रीडेरिया स्लीपिंग सिकनेस, एंड अमीबा मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम डिसेंट्री। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा पेयर करेक्टली मैच हो रहा है। तो आपको पता हुआ ना कि लेस्मीनिया क्या होता है, कालाजार है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हमारा, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, मेडुसा स्टेज इज नॉट फाउंड इन द सिलेंड्रेटा ऑफ क्लास। यहाँ पे कौन सा फाउंड नहीं हो रहा देन सिलेंड्रेटा की क्लास में, मेडुसा स्टेज। ऑप्शंस की बात करें हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, स्पैरोजोआ एंड एंथ्रोजोआ। तो यहाँ पे एंथ्रोजोआ। तो यहाँ पे कौन सा फाउंड नहीं होता किस सिलेंड्रेटा की क्लास में, तो वो है हमारा एंथ्रोजोआ, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हमारा, ऑप्शन फोर। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा, प्रोटोगेसिस मैन ऑफ वॉर इज। ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकेंड है, फाइसेरिया। ओके, सिक्स हमारा, प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लैम सेल ऑफ फ्रेश वाटर प्लैटी हेलमेंथीज हेल्फिन। यहाँ पे प्लैटी हेलमेंथीज की फाइलम में जो फ्लैम सेल है या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया है, प्रोटोनेफ्रीडिया वो फ्रेश वाटर में किस में हेल्प कर रहा है, तो वो हमारा किस में करता है, एक्सक्रीशंस एंड ऑस्मोरेगुलेशंस में ना। यहाँ पे राइट आंसर क्या हमारा, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सेवन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मीजोडर्म बट नो क्लोम। यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, फ्लैटवॉर्म, अर्थवॉर्म, राउंड वॉर्म या लीच। यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फॉलोइंग हैज भी मीजोडर्म बट नो क्लोम, यहाँ पे क्लोम नहीं है। ओके, तो वो किस में हमारा, फ्लैटफॉर्म में ना। यहाँ पे राइट आंसर क्या हमारा, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर एट है हमारा, एक्सक्रीशन इन आर्थ्रोपोड एनिमल्स टेक प्लेस बाय। ऑप्शंस की बात करें मेलपीगियन, ट्यूबलेस, ग्रीन ग्लैंड एंड द कॉक्सस ग्लैंड एंड द ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन फोर, ऑल ऑफ द एबव। ओके, ऑफ फाइलम ऑर्थोपोड लैक वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। ऑप्शंस की बात करें स्केल्टन मैड ऑफ द चिटिन, कंपाउंड आइज, एक्सक्रीशन बाय द मॉलफिगन, ट्यूबलेस या फिर यूजली ए क्लोज टाइप द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फाइलम ऑर्थोपोडा में लैक वन द फॉलोइंग इनका फीचर्स क्या, किस मेंबर्स में, फाइलम ऑफ मेंबर। तो वो किस में होता है, यूजली क्या होता है, क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में होता है ना। तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, राइट आंसर क्या हमारा, ऑप्शन फोर है। ओके, लिंक बिटवीन द एनालीडा एंड मोलस्कसी। आपको पता है कनेक्टिंग लिंक से कौन सा, किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। इससे दो क्वेश्चन, मिनिमम दो क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम्स में इलाहाबाद एमएससी एंट्रेंस या फिर बीएचयू या फिर डीयू भी, किसी भी आप एंट्रेंस एग्जाम्स में दे रहे हैं तो वहाँ पे कनेक्टिंग लिंक से क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे हम स्पेशली इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में आपका कनेक्टिंग लिंक से दो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, दो या तीन क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये आप क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे कि एनालीडा में या फिर ऑर्थोपोड में, तो यही क्वेश्चंस होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस हमारा, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द क्या है, एनालीडा एंड मोलस्कस के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक होता है वो कौन सा होता है। और यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा, ऑप्शन थर्ड है, नियोपिलाना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हमारा, ऑप्शन थर्ड। ओके, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 11 है, लिंक्स बिटवीन द ऑर्गेनिज्म डेट शो द ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और शो बाई ऑप्शन ऑप्शंस की बात करें, फॉसिल्स, कंप्लीमेंट्री एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइलोजेनेटिक ट्री एंड टू फॉसिल्स लेयर। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यहाँ पे दिया हमारे, क्वेश्चन नंबर 12 है, देयर आर टू ओपनिंग व्यू द अबाउट द ऑरिजिन्स ऑफ मॉडर्न मैन अकॉर्डिंग टू द व्यू होमो इरेक्टस ऑफ द एशिया वेयर द एसेंटर्स ऑफ द मॉडर्न मैन ए स्टडी ऑफ वेरिएशंस ऑफ डीएनए हाउएवर द सजेस्ट अफ्रीकन ऑरिजिन्स ऑफ मॉडर्न मैन व्हाट काइंड ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑन डीएनए वेरिएशन कुड सजेस्ट दिस। यहाँ पे क्या आप सजेस्ट करेंगे, तो क्या सजेस्ट हो रहा है, तो ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस क्या है, ग्रेटर वेरिएशन इन द अफ्रीकन दैन द एशिया, ऑप्शन बी है, वेरिएशन वनली इन द एशिया एंड नो वेरिएशन इन अफ्रीका, ऑप्शन थर्ड क्या है दिया है हमारा, सी क्या है, ग्रेटर वेरिएशन इन द एशिया दैन द इन अफ्रीका, एंड ऑप्शन डी है हमारा, सिमिलर वेरिएशन इन अफ्रीका एंड एशिया। यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन थर्ड है, ग्रेटर वेरिएशन इन द एशिया दैन द अफ्रीका। ओके, 30 हमारा, विच इज नॉट एप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ऑप्शन की बात है, नेचुरल सेलेक्शन, नेचुरल पॉपुलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड जीन पोल। यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 हमारे, इन ए पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलरली फेनोटाइप और फॉर्म द ड्यू टू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन ड्यू टू, ऑप्शंस की बात करें, जेनेटिक्स ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सेलेक्शन, माइग्रेशन, सेलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डिफरेंशिएशन रिप्रोडक्शन इन द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सिमिलर टू फिनोटाइप फॉर्म, फिनोटाइप की फॉर्म में क्या, तो यहाँ पे क्या हमारा जेनेटिक्स ड्रिफ्ट है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना सपोर्ट डार्विन कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचुरल सेलेक्शन इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है, प्रोडक्शन ऑफ डॉली द शीप बाय क्लोथिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 हमारा, रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन इज शो बाय, ऑप्शन की बात करें, मैन, बर्ड्स, ट्यूनिकेट्स एंड फिश। यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, मैन। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 हमारा, हार्डी वैनबर्ग इक्विलिब्रियम इज नोन टू बी इफेक्टेड बाय जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड। यहाँ पे क्या हो रहा है, जीन फ्लो हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, और क्या होगा यहाँ पे, तो ऑप्शंस की बात करें, इवोल्यूशन, लिमिटिंग फैक्टर, स्लांटेशन एंड नेचुरल सेलेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, जीन फ्लो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, म्यूटेशन है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन है, एंड क्या हो जाएगा, एवोल्यूशन है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जा रहा है हमारा, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, ए लिविंग कनेक्टिंग लिंक विच प्रोवाइड्स द एविडेंस फॉर द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज, ऑप्शंस की बात करें, आर्कियोपटेरिस बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, या फिर लंग्स फिश बिटवीन द पाइसिस एंड रेप्टाइल्स, एंड डक बाइल्ड इन द पैलीपटस बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, या फिर सेफनोडॉन्स इन बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिविंग कनेक्टिंग लिंक किसमें है, दिन द प्रोवाइड एविडेंस इन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में, तो किसमें होगा, यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड है। ओके, 19 हमारा, रियलाइजेशन ऑफ एलिमेंट इन एंड कंपाउंड इन द नेचर जनरेशन थ्योरी बिकॉज, ऑप्शंस की बात करें, लाइफ साइकिल, साइकिल पाथवे, मटेरियल साइकिल्स एंड रिसाइकलिंग। यहाँ पे क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ एलिमेंट कंपाउंड इन द नेचर जनरेशन थ्योरी बिकॉज, यहाँ पे क्या है, नेचर जनरेशन थ्योरी है, वो क्या, मटेरियल साइकल्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, द स्टेज फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ऑटोट्रॉफ वॉज द सेट इज द इवोल्यूशन ऑफ, ऑप्शंस की बात करें, आरएनए, डीएनए, ओजोन्स एंड क्लोरोफिल। तो क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है ना, तो वॉज सेट इन द इवोल्यूशन, किस स्टेज के इवोल्यूशन में, तो वो कहाँ होगा हमारा, क्लोरोफिल में ना, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो रहा है हमारा, ऑप्शन फोर। ओके, 22 है हमारा, हर्षे एंड द चेस एक्सपेरिमेंट प्रूविंग द डीएनए एज द जेनेटिक्स मटेरियल वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। ओके, कोडिंग सीक्वेंस फाउंड इन द स्प्लिट जीन्स और कॉल्ड, यहाँ पे कोडिंग सीक्वेंस में जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसमें कौन सा फाउंड हो रहा है स्प्लिट जीन्स में, तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें, ओप्रॉन्स, इंट्रॉन्स, एक्सॉन एंड द सिस्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या होगा, एक्सॉन्स होगा ना, तो स्प्लिट जीन्स पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा कोडिंग सीक्वेंस में, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 24 है, द रिमूवल ऑफ विच एंजाइम अफेक्ट द सिंथेसाइज ऑफ एच एन आर एन ए इन द यूकैरियोटिक। ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस क्या है हमारा, ऑप्शन ए है आर एन ए पॉलीमरेज सेकेंड, आर एन ए प्राइमेज एंड आर एन ए पॉलीमरेज थर्ड एंड आर एन ए पॉलीमरेज फर्स्ट। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द रिमूवल ऑफ विच एंजाइम अफेक्ट्स कर रहा है द सिंथेसाइज ऑफ एच एन आर एन ए की यूकैरियोटिक में। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, आर एन ए पॉलीमरेज सेकेंड ना, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट है हमारा ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे हमारा, सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड, यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है, व्हेन ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द वैलिन इज बीटा पॉलीपेप्टाइड चैन। ओके, यहाँ पे राइट आंसर क्या हमारा ऑप्शन बी हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, विच एम आर एन ए विल बी आर एन ए विल बी ट्रांसलेटेड टू द पॉलीपेप्टाइड चैन कनेक्टिंग 8 एमिनो एसिड। एम आर एन ए विल बी ट्रांसलेटेड द पॉलीपेप्टाइड चैन कनेक्टिंग द 8 एमिनो एसिड। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ये कोडांस दिए हैं ना हमारे, जैसे कि एडनिन होता है, ग्वानिन होता है, यूरोसिल होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है इस क्वेश्चन का, राइट आंसर एम आर एन ए विल बी ट्रांसलेट कर रहा है पॉलीपेप्टाइड चैन में 8 कनेक्टिंग लिंक में एमिनो एसिड में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन बी है, ए यू जी ए जी ए सी 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 जी जी ए सी यू जी एंड जी यू सी जी। यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन बी हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, द स्ट्रेच ऑफ द कोडान बिटवीन द ए यू जी एंड द स्टॉप कोडान इज कॉल्ड, स्टॉप कोडान पूछ रहा है, स्टॉप कोडान इज कॉल्ड द कोडान बिटवीन ए यू जी। यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है, ओपन रीडिंग फ्रेम। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, इफ़ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द डीएनए इज द टीएसीसी, ये कोडान दिया है, कोड दिया हुआ है, तो देन द सीक्वेंस ऑफ द कोडान एज द ट्रांसक्रिप्ट विल बी। इस कोडान को क्या करना है, सीक्वेंस में द कोडान इज, इसको अगर मैं हम एक्सप्लेन करें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो, इसलिए मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता रही हूँ कि यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है, ए यू जी जी यू सी एंड जी जी यू। ओके, यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है, यहाँ पे जिस कोडान का, यहाँ पे जो बेस डीएनए का बेस है, सीक्वेंस पूछा है ना कोडान का, ट्रांसक्रिप्ट विल बी, तो यहाँ पे है हमारा ऑप्शन, यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन थर्ड हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, जीन्स विच आर द एक्टिव ऑल द टाइम सिंथेसाइजिंग सबस्टांस नीडेड बाय द सेल्स आर कॉल्ड। ऑप्शंस की बात करें, सेलुलर लग्जरी जीन्स, मेटाबॉलिक जीन्स एंड द हाउस कीपिंग जीन्स एंड द कंट्रोल जीन्स कंट्रोल जीनेस। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जीन्स विच आर द एक्टिव ऑल टाइम सिंथेसाइजिंग सबस्टांस नीडेड बाय द सेल्स आर कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, हाउस कीपिंग जीन्स, यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन सी है, हाउस कीपिंग जीन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो 30 है, एच बी ए एंड एच बी एस एलेल्स ऑफ नॉर्मल एंड सिकल सेल हीमोग्लोबिन और। ऑप्शंस की यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन सी है, डोमिनेंट रिसीव एलेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सेक्स ऑफ क्रोकोडाइल एग इज डिपेंडेंट ऑन, यहाँ पे ऑप्शंस की बात, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड नॉन ऑफ द एबव। यहाँ पे जो राइट, सेक्स ऑफ क्रोकोडाइल का एग है वो डिपेंडेंट होता है किस पे, टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। ओके, 32 है हमारे, इट एक्टिवली सिंथेसाइजिंग द आर आर एन ए, कैपिटल आर आर एन ए क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस एंड ए बी सी एंड ऑल, या तो ये ए बी है, बी बी है एंड सी बी है, यानी तीनों ऑल ऑफ द एबव है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन बी है, न्यूक्लियोलस। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, इन विच क्रोमोसोम्स इन सेंट्रोमियर्स सेंट्रोमियर प्रोसेसिंग डिस्क सेप्ट द स्ट्रक्चर, डिस्क सेप्ट स्ट्रक्चर्स क्या है देन द सेंट्रोमियर प्रोसेसिंग क्रोमोसोम्स में। यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें, सैटेलाइट, कीटोकोर, लॉन्ग आर्म एंड शॉर्ट आर्म। यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, विच ऑर्गनल्स इज नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। यहाँ पे कौन सा कंसीडर नहीं हो रहा है देन पार्ट ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। ऑप्शंस की बात करें, किस ऑर्गनल्स में है ना, तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कौन सा ऑर्गनल्स में कंसीडर नहीं हो रहा है देन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, तो क्या है हमारा, क्लोरोप्लास्ट ना, है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। ओके गाइस, क्रोमोसोम्स इन विच द सेंट्रोमियर इज द लोकेटेड एट द एंडेज। ऑप्शंस की बात करें, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्रोमोसोम्स इन विच द सेंट्रोमियर इज द लोकेटेड एंड
एट द एंड, यहाँ पे एट द एंड इन द सेंट्रोमियर इन द क्रोमोसोम, तो यहाँ पे क्या होगा टीलोसेंट्रिक ना, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है इस क्वेश्चन का, जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। ओके गाइस, लाइक जाइगोट एनी सेल ऑफ द बॉडी इज द कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए न्यू इंडिविजुअल्स इज नोन एज, ऑप्शन की बात करें टोटिपोटेंसी डिफ्रेंसिएशंस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बॉडी इज कैपेबल इन द प्रोडक्शंस ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स इज नोन एज देन लाइक जाइगोट, लाइक जाइगोट की जो सेल्स होगी देन बॉडी ऑफ द कैपेबल, उसके लिए कैपेबल होगी देन प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग में, तो यहाँ पे क्या होगा टोटिपोटेंसी ना, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, विच ऑर्गेनल्स इन द एसोसिएटेड इन द फॉर्मेशंस ऑफ वेसल ग्रैनुअल सीलिया एंड द फैजलेरा, क्या पूछ रहा है कि द ऑर्गेनल्स इन द एसोसिएटेड इन द फॉर्मेशंस ऑफ वेसल ग्रैनुअल्स इन द सीलिया एंड फैजलेटेड, ऑप्शंस की बात करें सेंट्रोसोम्स गॉल्जी अपर्चर्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम्स, यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है सेंट्रोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, इंडिकेटेड द इनहेरिटेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोल्ड बाय द मल्टीपल एलील्स, मल्टीपल एलील्स एंड देन द कंट्रोल क्या करें इंडिकेट द इनहेरिटेंस, ऑप्शंस की बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस सिकल सेल एनीमिया ब्लड ग्रुप एंड फिनाइलोक्रिटोनीरिया, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है इंडिकेट द इनहेरिटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कंट्रोल बाय द मल्टीपल एलील्स, सो किस में होगा ब्लड ग्रुप में ना, ब्लड ग्रुप होगा ना यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स अकरिन, सेग्रीगेशन ऑफ जीन अकरिन अकर कहाँ हो रहा है, ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शंस क्या है हमारा फॉर्मेशन एनाफेज सेकेंड एनाफेज फर्स्ट एंड मेटाफेज सेकेंड, तो जो जीन अकर्स होंगे सेग्रीगेशन में तो वो हमारा एनाफेज फर्स्ट में होंगे ना गाइस, सो यहाँ पे राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन थर्ड है। ओके, बात करते हैं आई स्टेट द स्लैंड अपवर्ड द विथ इपिकैंथस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका कैरेक्टर इपिकैंथस द सैलेंट अपवर्ड एंड द आई, तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम एंड द डाउन सिंड्रोम एंड सुपर फीमेल, तो यहाँ पे क्या हमारा राइट आंसर हो रहा है हमारा डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के कैरेक्टर या है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हमारा ऑप्शन थर्ड होगी गाइस। क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ हेटरोजाइगस राउंड द सीडेड पी प्लांट एंड द सेल्फ पॉलिनेट द ऑफ स्प्रिंग विल बी, ऑप्शंस की बात करते हैं 75% राउंडेड 50% हेटरोजाइगस एंड द 20% कैपिटल आर आर एंड ऑल ऑफ द अबव ऑल ऑफ दिस, यहाँ पे क्या होगा हेटरोजाइगस राउंड सीडेड पी है जो इनकी बीज है पी की सीड है प्लांट में, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेट द ऑफ स्प्रिंग क्या होगा देन ऑल ऑफ द अबव ना 25% आर आर एंड हेटरोजाइगस एंड द 75% राउंडेड, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो वो है हमारा ऑप्शन ए फ्रॉग का क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ना, सो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, बाकी आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे जो है इनकरेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सो मेटामॉर्फिज, मेटामॉर्फिज में यहाँ क्वेश्चन में कौन सा सो में मेटामॉर्फिज शो करता है नैरिज अर्थवॉर्म कॉकरोच एंड लिच, यहाँ पे क्या होगा नैरिज ना, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए नैरिज। ओके, 44 की बात करते हैं, हॉलो ईयर फिल्ड बोन्स द न्यूमेटिक बोन्स अकर इन, न्यूमेटिक बोन्स किस में अकर हो रहे हैं फिल्ड बोन्स में, ऑप्शन की बात करते हैं ऑप्शन से हमारा मैमल्स रेप्टाइल्स यूरोडेला एंड एप्स, तो यहाँ पे क्या होगा किस में न्यूमेटिक बोन्स होगा एप्स में ना, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, हेयर आर नॉट फाउंड इन द एडल्ट वेल एट बॉडी टेम्परेचर इज द रेगुलेटेड बाई, ऑप्शंस की बात करते हैं स्वीट ग्लैंड ब्लबर ब्लड सर्कुलेशन एंड वाटर, यहाँ पे क्या होगा हेयर आर नॉट फाउंड, क्या पूछ रहा है हेयर आर नॉट फाउंड इन एडल्ट वेल इज द बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाई, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी है। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, गॉल्जी अपर्चर इज द प्रोड्यूस फ्रॉम द विच ऑर्गेनल्स, ऑप्शंस की बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स, यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी अपर्चर क्या हो रहा है देन प्रोड्यूस करेगा किस ऑर्गेनल्स में, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ना, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हमारा ऑप्शन ए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 47, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या होता है इनके
एक्टिव एंड पैसिव के बीच के बिटवीन इनके ट्रांसपोर्ट में। ऑप्शंस की बात करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर बाय द एटीपी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर फर्स्ट, एनर्जी इज नेसेसरी फॉर द पैसिव ट्रांसपोर्ट इन द नॉन सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन सा इनके एक्टिव एंड पैसिव के बीच का जो ट्रांसपोर्ट है कौन सा डिफरेंस है, तो वो होगा हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर बाय द एटीपी। ओके, एट है हमारा द प्लांट इन विच ह्यूगो ड्यूरिज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेशंस। ऑप्शंस की बात करते हैं, यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, हमारे स्किन कलर इज कंट्रोलेड बाय, यहाँ पे स्किन कलर कौन सा कंट्रोल करता है, यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन सी सही है, पॉलीजिन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर सो द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में कौन सा फॉलो कर कौन सा डिसऑर्डर, ऑप्शन के हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड द या फिर ए बी दोनों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है हमारे इस क्वेश्चन का, जो डिसऑर्डर जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में शो करता है, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस दोनों होता है, ब्लाइंडनेस दोनों होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। ओके गाइस, सो आई होप आपको वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।